हेलो दोस्तों कैसे हो सारे दिस इज वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड लाइब्रेरी इफ ए न्यू टूबर चैनल सब्सक्राइब नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन दैट इज द रोटी पराठा स्पॉच ठीक है स्पॉच का क्वेश्चन है ये रोटी पराठा तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले क्वेश्चन क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्वेश्चन तो जो हमारा ये क्वेश्चन है रोटी पराठा ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा मुझे भी ये पता है ठीक है तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि बाइनरी सर्च की कुछ ट्रिक्स की मतलब कैसे समझ आएगा कि बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है कि नहीं है कैसे करोगे वो थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई आ, क्वेश्चन दिखे और कुछ सर्चिंग जैसे कुछ सर्चिंग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ सर्च करना है वगैरह वगैरह तो तो आपको समझ आएगा कि, कि ये सर्चिंग से ही करना है चाहे लीनियर सर्च चाहे बाइनरी सर्च कोई भी एक फिर अब आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि इसे लीनियर सर्च से करें या बाइनरी सर्च से करें एक तो कॉन्स्टेंट दिखकर आप कर सकते हो जैसे अगर आपका कॉन्स्टेंट दिया हुआ है टेंड दी पावर नाइन इतना बड़ा कॉन्स्टेंट तो तुम लोगों को मैं पहला बार बता देता हूँ एक मैं कॉन्स्टेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा ठीक है जिसमें आपको कॉन्स्टेंट सारा कहानी पता चल जाएगा आपको कोई चाप नहीं है ठीक है तो अगर टू टें नाइन काट दिया हुआ है ठीक है तो आप उसमें है बात लीनियर चलाओगे तो टीएल ठीक है तो टीएल से बात है तुम बाइनरी सर्च करोगे तुम कॉन्स्टेंट देख लेना कि टू की पावर नाइन के आसपास हो जा रहा है तो बाइनरी सर्च करना हो उसमें फिर आप देखो क्योंकि अगर यहां पर कुछ सर्च स्पेस का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि यहाँ पर तो एक सर्च स्पेस निकालना पड़ रहा है कि मिनिमम टाइम पे करो मैक्सिमम टाइम पे करो इतने देर में करो उतने देर पे करो ठीक है इस टाइप कुछ क्वेश्चन आया जिसमें आपको लगे कि सर्च स्पेस बनाना पड़ रहा है कोई एक स्पेस में तो सर्चिंग आपका लग सकता है, ओके? अब तुम ठीक है फॉर एग्जाम्पल पावर फाइव का कोई कॉन्सेंट वगैरह है अगर तुम वहां पर एन लुक चला के और फिर आपको सर्च करना है तो ऑब्वियस बात है सर्च करके तो सर्च नहीं करोगे वो एन स्क्वायर हो जाएगा टेंट फाइव में अगर N तो टीएलई होगा ही होगा तो उसको तुमको एन लॉग एन में करना होगा जैसे यहाँ एन लॉग एन का बात आया तो समझ जाओ कि बाइनरी सर्च करना है तो मेन यहाँ पर कॉन्स्टेंट बहुत बड़ा रोल होता है सर्च स्पेस एक रोल होता है कि ये दो चीज समझ देख आप समझ सकते हो कि बाइनरी सर्च करना है कि नहीं करना है ठीक है जहां सर्चिंग की बात है आया वहां सोचा करो लीनर सर्च का भी मत लगाया करो ट्वेंटी थ्री वगैरह सर्च लगा सकते हो बट बाइनरी सर्च बड़े कॉन्स्टेंट में आराम से समझ आए हुए कि बाइनरी सर्च लगाना है तो कॉन्स्टेंट एक फैक्टर हो गया कॉन्स्टेंट देखकर समझो और आपका हो गया समय क्या हो रहा था मैं ही भूल गया

तो हर एक शेफ का अपना अपना रैंकिंग दिया हुआ है और उसके हिसाब से वो पराठा बना रहा है ठीक है पहला पराठा आर में सेकंड फॉर एग्जाम्पल कुक रैंक इज टू अगर उसकी रैंकिंग टू हुई दी दी है एंड कुक फर्स्ट पराठा इन फर्स्ट टू मिनट्स ठीक है दूसरा पराठा बनाएगा चार मिनट में क्यों टू इन टू आर टू इंट टू फोर एंड वन मोर पराठा इन द नेक्स्ट सिक्स मिनट मतलब हो गया

जितने में ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे मतलब तुम्हें पराठा दी हुई रहेगी और सारे कुक्स का रैंकिंग दिया हुआ होगा ठीक है तो तुमको क्या करना है तुमको मिनिमम टाइम बताना है कि तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा मतलब और तुम सारा खाना बन जाएगा पराठा वराठा सब बन जाएगा ठीक है तो बस यही करना है क्वेश्चन में तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में तुमको टी दी हुई है टेस्ट केस फिर नंबर ऑफ पराठा जो बनाना है ठीक है और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है एल पहले कुक्स दिया हुआ रहेगा और सारे कुक्स का रैंकिंग दिया हुआ

तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहां पर निकालना है कि कितने समय में सारा पराठा बन जाएगा ओके okay? तो सब सारा पराठा बन जाएगा कितना समय में तो सोचो कि हम लोग को टाइम ही निकालना है ना तब देखो टाइम के संग क्या कर सकते हैं हम लोग ठीक है तो अगर हम लोग सोचे तुमको एग्जाम्पल दिख रहा है कि टेन पराठाज हमें बनाना है तो मिनिमम टाइम क्या होगा और यहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि ट्वेल्व हो रहा है ठीक है तो तुम हम लोग यहाँ पर हम लोग को तो देखो हिट एंड ट्रायल वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ दो सात चार को कु दी हुई है और सबका रेटिंग दिया है वन टू तो, थ्री वो रैंकिंग दिया हुआ है ठीक है वन टू तो, थ्री फोर तो सब कैसे कैसे बना रहा है आर एथ टाइम में एक पराठा टू आर टाइम्स में दूसरा पराठा थ्री आर टाइम में थर्ड पराठा ठीक है ऐसे ऐसे करके बना रहा है सारे कुक्स लोग ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक तरफ से सोच सकते हैं यहाँ पर कि सर्च स्पेस हम लोग टाइम को क्यों ना ले ले क्योंकि हमें तो टाइम हम निकालना है और देखो वो भी मिनिमाइज करना है ठीक है टाइम मिनिमाइज करना है तो हम लोग सर्च स्पेस टाइम ही ले लेते हैं एक लोअर बोन और एक अपर बोन का टाइम रहेगा हम लोग एक रैंडम टाइम लेंगे और चेक करो उस टाइम में जैसे यहाँ पर टेन परा दिया हुआ था ठीक है है तो तो हमारा आंसर ट्वेल्व है ना तो हम लोग एक रैंडमली मान लो ट्वेंटी मिनट्स में क्या टेन पराठा बन पा रहा है अगर यस तो इसका मतलब जब बीस मिनट में दस पराठा बना ले रहे हैं हम लोग तो बीस मिनट से ज्यादा में भी है बना ही लेंगे पराठा तो चेक करेंगे क्या बीस से कम में बना पा रहे हैं कि नहीं फॉर एग्जाम्पल बाइनरी सर्च बना रहे हैं ना टेन ले लो ठीक है दस मिनट में क्या दस पराठा बन पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दस मिनट में दस पराठा बन रहे हैं अगर नहीं बन रहे हैं अगर दस मिनट में दस पराठा नहीं बन पा रहा है तो दस मिनट से कम समय में भी तो दस पराठा नहीं बन पाएगा ना ऑब्वियस सवाल है तो जब नहीं बन पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे आगे चेक करेंगे कि दस से ज्यादा टाइम लेने के बाद क्या दस पराठा बन पाएंगे तो समझ रहे हो समझ रहे हो कि यहाँ पर बाइनरी सर्च का वो सर्च स्पेस कौन हो रहा है टाइम हो रहा है

मतलब एक्स्ट्रा तो तुम्हारा देखो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन क्या था कि बारह मिनट में ही बनाना है तो हम लोग पता है यहाँ क्या कर रहे हैं सारे शेफ को हम लोग एटमोस्ट बा, बारह मिनट तक तो ले जाएंगे और चेक करेंगे कि उस टाइम के अंदर वो लोग कितना पराठा बना रहा है सबका अपना अपना पराठा काउंट करो ऐड करो चेक करो कि रिक्वायरमेंट पराठा से अगर वो ज्यादा है या रिक्वायरमेंट पराठा के बराबर है तो अपना काम हो जाएगा ठीक है देखो आप पांच ऐड करेंगे तो आई थिंक सो हमारा एक्सिड कर जाएगा ये फोर फाइव टेन हो रहा है टेन प्लस फाइव फिफ्टीन हो जाएगा तो पंद्रह मिनट तो हम लोग का मतलब रेस्ट्रिक्शन तो बारह मिनट तक ही है तो मतलब चार ही पराठा बना पा रहा है पहला शेफ दूसरा शेफ का रेटिंग टू था तो पहला दो मिनट में वो कितना पराठा बनाया एक अब टू इंटू टू चार मिनट में दूसरा पराठा फिर टू इंटू थ्री छह मिनट में और एक पराठा अब देखो यहाँ पर छह प्लस चार दस दो बारह देखो रेस्ट्रिक्शन बारह का था बारह मिनट में तीन पराठा ये बना ले रहा है अब आते हैं हम लोग थ्री रैंकिंग वाला वो तीन मिनट में एक पराठा बनाया फिर मिनट में एक पराठा बनाया था छह तीन नौ आई थिंक सो नेक्स्ट अगर हम लोग तो नाइन और प्लस करेंगे तो बारह से बड़ा हो जाएगा तो दो पराठा बना पाया सिमिलरली फोर वाले का पहला चार मिनट बनाया दूसरा आठ मिनट बनाया तो तो यही तो बराबर बारह ही हो गया तो ये भी दो पराठा बना पा रहा था ऐड करो टू प्लस टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन मतलब इलेवन पराठास हम लोग यहाँ बना पा रहे हैं ठीक है तो जब हम हमारा यहाँ पर इलेवन पराठास बन पा रहा है तो देखो हम लोग रिक्वायरमेंट पराठा कितना था टेन तो क्या ये टेन या टेन से ज्यादा है येस इट इज मोर देन टेन ठीक है तो दस से ज्यादा हो रहा है दस के बराबर हो रहा है तो मतलब बारह मिनट में हमारा रिक्वायरमेंट जितना पराठा का है उतना बन पा रहा है ठीक है तो जब उत्तम पराठा जब बन गया तो उससे ज़्यादा टाइम में भी बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे उसका पहले चेक करके वहां बन रहा है कि नहीं सिंपल बाइनरी सज जो करते हैं सर्च स्पेस वाला ठीक है तो ऐसे वही यहाँ पर देख लो यहाँ पर हम लोग ये ये क्या बना दिया मैंने यहाँ पर देख लो जैसे यहाँ पर सर्च स्पेस देख लो ऐसे यहाँ पर जीरो टाइम दिया था वह ट्वेंटी पकड़ लो बीस मिनट में बन रहा है कि नहीं अगर बीस मिनट में बन गया तो बीस का आगे भी बन जाएगा आओ मिड में आओ दस मिनट में दस मिनट में बन रहा है कि नहीं दस मिनट में अगर नहीं बन पा रहा तो दस मिनट से पहले भी नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ आगे शिफ्ट करेंगे तब ये वाला हम लोग सर्च स्पेस में चेक करेंगे यहाँ पर ठीक है यहाँ बीच में मान लो पंद्रह हो गया पंद्रह मिनट में बना पराठा बन रहा है कि नहीं और फॉर बन जा रहा है तो इसका आगे भी बन जाएगा तो हम लोग इस तरफ सर्चिंग करेंगे तो ये लग रही है मैं सर्च करूँ तो नॉर्मल बाइनरी सर्च लग रहा है कोड मेरा कोड यहाँ पर आओ यहाँ पर कोड दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये तुम लोग आप उससे रहते हो ना ये क्या चीज़ है ये डी फाइल है बेसिकली इनपुट और आउटपुट फाइल इसके अंदर लिखा हुआ है देखो यहाँ पर ये मैं यहाँ देखो इनपुट और टी आउटपुट टी एक्स टी में मैं यहाँ पर कोड करता हूँ यहीं पर इनपुट आउटपुट आता है इसलिए लिखता हूँ तुम लोग इसको इग्नोर करो ठीक है इस मैं यहाँ पर जब भी सबमिट करता हूँ ये डी फाइल हटा देता हूँ बिकॉज यही फंक्शन में वो लगा हुआ है ओके ये वाला बेसिकली आपका फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए ओके तो आते हैं टेस्ट केस वाइल टी इंड नंबर ऑफ पराठाज लेना था हमें पराठा ले लिए एंड नंबर ऑफ कुक्स के लिए कुक्स ले लिए एरे ले लिया इसमें नव, सारे कुक्स की रैंकिंग दी हुई थी ये सारा इनपुट ले, ले लिया लोअर बाउंड जीरो लिए हैं अपर बाउंड ट्वेंटी एट लिए हैं और एक देखो अगर तुमको समझ नहीं है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या लेना है सिंपली लोअर बाउंड को जीरो ले लिया करो अपर बाउंड को टेंडी दीवर नाइन ले लिया करो अगर नहीं समझ आए समझ आता है तो तुम अपने हिसाब से लिखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो जीरो ट्वेंटी नाइन लिख लो हमेशा काम कर जाता है ठीक है मैक्सिमम में तो काम कर ही जाता है जितना बार मैं यूज किया हूँ अब यहाँ आपको बताता हूँ कि ट्वेंटी एट कैसे आ रहा है अपर बाउंड

और एक ही शेफ दिया हुआ है जिसका रैंकिंग आपका एट है तो वो पहला तो हमें हजार पराठा बनाने हैं और एक ही शेफ है जिसका एट रैंकिंग दिया हुआ है ये वर्ष तो देखो वो पहला पराठा कितना में बनाएगा और वैसा वादा मैं अगर आर के टर्म एट के टर्म से बोलता हूँ वो आठ में बनाएगा सेकेंड पराठा कितने बनाएगा एट एट इंटू टू टाइम्स में बनाएगा थर्ड पराठा कितने में बनाएगा एट इंटू थ्री टाइम्स में बनाएगा ठीक है डॉट 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 हमने यहाँ पर एट कॉमन ले लिया ठीक है क्या आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डॉट 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 ठीक है तो बेसिकली क्या हो गया plus plus plus, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन इन टू एन प्लस यहाँ पर ये यह क्या हो जाएगा एट एट बेसिकली हम लोग का रेटिंग था तो रेटिंग बेसिकली रेटिंग इन टू एन इन टू एन प्लस वन ठीक है ये ब्रैकेट दे देता हूँ रेटिंग इन टू एन इन टू एन प्लस वन बाई टू फॉर्मूला हो गया रेटिंग हमारा क्या दिया हुआ है एट पराठा क्या दिया हुआ है मैक्सिमम वन थाउजेंड इंटू वन थाउजेंड वन बाई टू इसको करो तो ये टेन टू एट इसके आसपास ये वैल्यू बनेगा ठीक है तो इस तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि हायर कांस्टेंट कितना हुआ इसको कैलकुलेट कर लो टेन टूर एट के आसपास आ रहा आंसर ठीक है तो इससे समझो कि मैक्सिमम इतना टाइम लग सकता है हजार पराठा बनाने में ठीक है तो कोड गाँगे गया इसमें मैं टेंटी एट लिया मतलब होता है आंसर जीरो लेकर चल रहा हूँ लोअर बाउंड लेस इक्वल टू अपर बाउंड मिडल में निकाल लिया हमने अब यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ इस फंक्शन को मैं भेजूंगा ऊपर अगर इसका मतलब चेक हो रहा है कि क्या मिड में जो टाइम आया है ना उस टाइम में हमारा बन पा रहा है कि नहीं अगर पराठा बन जाएगा मतलब उससे ज्यादा टाइम बन जाएगा तो मैं अपर बाउंड को मिड माइनस वन करूंगा और आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा मिड से एस मतलब नहीं बन पा रहा है तो पहले भी नहीं बनेगा तो आगे जाके चेक करो तो लोअर बाउंड को मिड प्लस वन सिंपली आंसर रिटर्न कर दूंगा अब चेक करते हैं सॉल्व फंक्शन में दिया हुआ क्या है ठीक है यहाँ बस चेक कर रहा करो कि पराठा बन पा रहा है कि नहीं यहाँ पर टाइम ले लो हमारा टाइम क्या मीट मतलब मीट मीट के अंदर तक बनाना है ना तो मैं टाइम ले लिया जीरो ठीक है कि टाइम को मिड तक नहीं जाना मिड तक ही रखना है पराठा जीरो ले लो कि मतलब जीरो पराठा अभी तक बना हुआ है फॉलु चलाओ सारे शेफ़ में ठीक है पहला शेफ यहाँ पर लिख लेगा ठीक है मतलब पहला शेफ हर एक शेफ का यहाँ चेक करना है कितना पराठा बना पा रहा है तो फर्स्ट टाइम टाइम को ए ऑफ आई ले लिए कि पहला जो शेफ है वो तो अपना रैंकिंग का ही टाइम लेगा फर्स्ट पराठा बनाने में इसलिए टाइम एव मैंने ले लिया जे को टू से चला रहे बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग को आर इन टू वन चेक करना है कि उतना टाइम पराठा बन पा रहा कि नहीं फिर आर इंटू टू आर इन टू थ्री तो फर्स्ट हम आर इन टू वन चेक करना है ना तो वो यहाँ पर चेक हो जाएगा यहाँ पर चेक हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा उसे तो जे टू लेकर चलाऊँ वाइल चेक करो कि टाइम लेकिन जो मैं हमारा जो रेस्ट्रिक्शन टाइम कितना है कि मिड तक ही बनाना है और हम लोग यहाँ टाइम निकाल रहे हैं ठीक एक हर एक शेफ कितना टाइम लगा रहा है बनाने में जब तक उसका वो जब तक शेफ बना रहा है और उसका टाइम मिट से कम है तब तक तो वो बनाते जाएगा तो मतलब पराठा प्लस प्लस पराठा बनाते जाएगा और फिर टाइम कैसे इंक्रीमेंट करना हमें आर इंटू टू प्लस आर इंटू थ्री प्लस आर इंटू फोर ठीक है तो देखो यहाँ पर जे मैंने टू लिया रखा था ना यहाँ पर तो देखो जे आर ई आर है ए ओ फाइव इंटू टू कर दिया अब यहाँ पर देखो जे प्लस प्लस हम लोग कर दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम अगर टाइम अभी भी मतलब कम समय में पराठा बन रहा है फिर पराठा प्लस प्लस फिर टाइम को देखो अपडेट कर रहे हैं

तो इसका मतलब ट्रू बन जा रहा है वरना फॉल्स बस यही था ट्रू होगा तो अपर माउंड मिड माइनस वन फॉल्स तो ये देख लो चलो सबमिट करके देखते हैं स्पॉच स्पॉज स्पॉच सबमिट सल्यूशन चलो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाओ सी सी प्लस प्लस कहाँ चला गया सी प्लस प्लस यहाँ पर आ जाओ डी फाइल हटा दे रहा हूँ क्योंकि फाइल के लिए था सबमिट में लगा दिया देखो क्या होता है टक 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 टक

और ये आपका जो चल रहा है एट का मल्टीपल्स में चल रहा है कि पहला पर आठा आठ मिनट में बना मैं वॉश कैसे ले रहा हूँ फिर एट इंटू टू एट इंटू थ्री ऐसे करके चलेगा बेसिकली ये भी तो आपका जितना समय चाहिए उससे पहले ही हो जाएगा तो और आपका स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक स्पेस कुछ लिया है हम लोग स्पेस 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 ना स्पेस हम लोग नहीं लिया है स्पेस बेसिकली ऑर्डर ऑफ वन लिए है ठीक है होप यू वट इंड द सॉल्यूशन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब कर दो मोटिवेशन मिलता है और और सॉल्यूशंस लाएंगे और हैप्पी न्यू ईयर सबको ठीक है तो नया साल आ गया है तो कुछ नए नए चीज लाऊंगा मैं ठीक है तो चलो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में